हेलो क्लास फोर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर फाइव द टर्टल स्टोम इन योर इंग्लिश क्लास बुक। इट वॉज इन द ग्रेट एनिमल किंगडम, द किंगडम विच एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर मैन वर एवन थॉट ऑफ। एक बहुत ही बड़ा एनिमल किंगडम था, मतलब जानवरों का राज्य था। वो राज्य तब से था जब से जो है मानव प्रजाति का कोई अस्तित्व भी नहीं था। ये एनिमल जो है किंगडम तब से अस्तित्व में था। लॉयन किंग हैड जस्ट बीन सेलेक्टेड द किंग एंड द एनिमल्स वर हैप्पी। जो शेर था वो जानवरों के राजा के रूप में चुना गया और जो सारे एनिमल्स थे वो बहुत हैप्पी थे। द फेस्टिविटीज़ लास्टेड 3 whole days। उनका महोत्सव, राजा चुने जाने का जो महोत्सव था, वो महोत्सव 3 दिन लगातार चला है। There were parades, loud trumpeting and fairs all over the kingdom। उस महोत्सव में parades निकाली गई। loud trumpeting मतलब होता है ये तुरही या फिर नाल के रूप में एक वाद्य, मतलब एक बजाने वाला, मुँह से बजाने वाला यंत्र होता है जिसको बहुत ज़ोरों से, जब राजा के समय में राजा आते थे तो आप देखते होंगे कि एक मुँह से जो है गोलाकार, अर्ध गोलाकार आकृति का एक यंत्र होता, वाद्य यंत्र होता था। तो ये तुरही बहुत ज़ोरों से बजाई गई। फेयर ऑल ओवर द किंगडम, और पूरे राज्य में फेयर्स मतलब मेला लगाया गया। एमिट पॉ शेक्स एंड बियर हक्स द एनिमल क्राइड ओवर एंड ओवर अगेन लॉयन किंग, लॉयन लिव लॉयन किंग, लॉन लिव लॉयन किंग। चूँकि एनिमल्स के अब हैंड तो होते नहीं है तो वो अपने पैरों से पॉ शेक्स मतलब अपने पैरों से वो एक दूसरे को शेक किए, मतलब उन्होंने एक दूसरे से अपने पैर मिलाए अपने हैप्पीनेस को जाहिर करने के लिए। बियर हक्स, भालुओं ने हक किया आपस में, और एनिमल बार बार चिल्ला रहे थे कि राजा अमर रहें, राजा अमर रहें, शेर राजा अमर रहें। इन द कोर्ट इटसेल्फ द फेमस रैबिट सिस्टर डिड द बनी होप। और उस कोर्ट में जो राजा का कोर्ट था वहाँ पर फेमस रैबिट सिस्टर्स थी, उन्होंने बनी होप भी किया। एंड डांसर्स लाइक द पिकॉक्स परफॉर्म लवली डांसेस टू एंटरटेन द न्यू किंग। और जो नृत्यांगनाएँ जैसे कि जो मोर थी, उन्होंने बहुत लवली डांस परफॉर्म किया था राजा के आनंद के लिए या उनके उनको खुश करने के लिए। द किंग वॉज ओवरजॉयड, राजा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे। द किंग लव्ड आर्ट, जो राजा थे वो आर्ट को बहुत पसंद करते थे या कला के प्रेमी थे। वंस द सेलिब्रेशन वर ओवर ही अनाउंस्ड हिमसेल्फ एज अ लवर ऑफ आर्ट। और जब उनके जो फेस्टिवल मनाया गया था किंग सेलेक्ट होने का, जब वो उनका फेस्टिवल कंप्लीट हो गया, सेलिब्रेशन उसका कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने अनाउंस करवाया कि वो एक कला के प्रेमी हैं। एंड वाइल ही वॉज अ किंग आर्ट एंड कल्चर वर गिवन ग्रेट इम्पॉर्टेंस। और वो जब तक राजा रहेंगे तब तक आर्ट और कल्चर मतलब कला और संस्कृति को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी। चेंजेस वर सून इन द किंगडम, और चूँकि वो कला के प्रेमी थे तो उस हिसाब से जो उनके राज्य में बहुत ही जल्दी चेंजेस देखे गए। लॉयन किंग हैड मैनी न्यू बिल्डिंग्स मेड, लॉयन राजा किंग जो थे उन्होंने बहुत नई नई बिल्डिंग्स बनवाई। ही इवन हैड अ न्यू पैलेस बोल्ट, यहाँ तक कि उन्होंने एक नया महल भी बनवाया। एंड टर्टल हैड द ऑनर ऑफ अर्निंग द कवेटेड टाइटल द किंग्स आर्किटेक्ट। जो कछुआ था उसको राजा के आर्किटेक्ट होते हैं जो बिल्डिंग्स के प्लान को बनाते हैं, उनको उसको कैसे बिल्डिंग्स को कैसे बनाना है, क्या स्ट्रक्चर देना है, तो उसका जो प्लान बनाते हैं उनको हम लोग आर्किटेक्ट बोलते हैं। तो कछुए को राजा के आर्किटेक्ट होने का सम्मान प्राप्त हुआ। टर्टल परफेक्टेड द डोम एंड डिस्कवर्ड द यूज़ ऑफ आर्क्स। टर्टल जो था वो डोम में बहुत, डोम बनाने में मतलब, डोम मतलब होता है गुंबद, छतों पे जो गोलाकार आकृति होती है उसको डोम बोलते हैं। तो टर्टल डोम बनाने में बहुत परफेक्ट था और उसने आर्क, आर्क होता है जो डोम के साइड साइड दो पिलर बनाए जाते हैं जिनको कि इन आर्क सपोर्ट, उन डोम्स को सपोर्ट देने के लिए बनाया जाता है, जिससे कि जो है हमारे जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको सपोर्ट बना रहे उनका। तो उस टर्टल ने आर्क की खोज की। ऑलमोस्ट ऑल द बिल्डिंग्स टर्टल डिज़ाइन हैड डोम्स फॉर रूफ्स। और टर्टल्स ने जितनी लगभग बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया था उस, उन सब की जो छत थी वो उनका डोम्स का ही डिज़ाइन उन्होंने बनाया था।
देयर वर हाफ डोम्स एंड फुल डोम्स, पॉइंटेड डोम्स एंड बॉल लाइक डोम्स। जो डोम्स उसने उन्होंने बनाए थे, जो डिज़ाइन किए थे, उसमें आधे डिज़ाइन के डोम्स थे, फुल डोम्स थे, पॉइंटेड डोम्स थे एंड बॉल लाइक डोम्स थे। मतलब अलग अलग तरह के डिज़ाइन वाले डोम्स टर्टल ने डिज़ाइन किए थे। एंड ऑफ कोर्स द बिगेस्ट एंड फाइनेस्ट डोम्स वॉज दैट ऑफ किंग्स पैलेस। ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो डोम था वो राजा के पैलेस का ही डोम था। स्टूडेंट्स, आप अपने चैप्टर में देख रहे हैं कि ये राजा किंग लॉयन किंग है, ये टर्टल है जो उनका आर्किटेक्ट, राजा का आर्किटेक्ट हुआ है, और ये डोम्स जो है, जो दो एप्स देखिए वो डोम्स को कैरी कर रहे हैं, और ये बिल्डिंग्स जो बनाई हैं टर्टल ने, उनके सारे आप डिज़ाइन देख रहे होंगे रूफ़ के ऊपर, ये डोम्स की डिज़ाइन बनी है, और ये आर्क है जो कि बिल्डिंग्स को सपोर्ट देने के लिए बनाया जाता है। आइए आगे पढ़ते हैं। ऑल द एनिमल्स एडमायर द न्यू बिल्डिंग्स स्पेशली देयर डोम्स। जितने और एनिमल्स थे वो सारे जो नई बिल्डिंग्स थी उनको बहुत एडमायर कर रहे थे, उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे, स्पेशली जो उन्होंने डोम्स उसमें बनाए थे। टर्टल हिमसेल्फ वॉज सो प्राउड ऑफ देम दैट ही जस्ट कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट देम। और टर्टल भी जो उसने डोम्स बनाए थे उसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश था, उसको बहुत प्राउड फील हो रहा था उसने जो अपने डोम्स बनाए थे, यहाँ तक कि वो उसके बारे में खुद भी बात करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। द डोम टर्टल सेड एज परफेक्टेड बाई मी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्ट। टर्टल ने कहा जो डोम बने हैं ये कितनी मतलब मेरे द्वारा कितनी परफेक्ट तरीके से बनाए गए हैं, और ये आर्ट का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, कला का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एट फर्स्ट द एनिमल्स एग्रीड विद टर्टल। और पहले तो जो एनिमल्स थे वो टर्टल से एग्री हुए, हाँ भाई उसने बनाया था सारे डोम्स, डिज़ाइन भी उसने बहुत अच्छी की थी, तो स्टार्टिंग में तो सारे एनिमल्स उससे एग्री हुए। बट वेन दे फाउंड दैट टर्टल कुड नॉट स्टॉप बोस्टिंग दे बिगेन टू फाइंड फ्लॉस। बोस्टिंग मीन्स होता है शेखी बघारना। तो जब एनिमल्स ने देखा कि टर्टल अपनी शेखी बघारने में ही लगा हुआ है, वो अपनी तारीफ़ें करने में ही बिल्कुल जुटा हुआ है, तो उन्होंने उसकी कमियां निकालना शुरू कर दी। फ्लॉस, फ्लॉस मतलब होता है कमी निकालना। तो जो एनिमल्स थे वो जो है पहले तो उन्होंने एडमायर किया कि मतलब बहुत खुश हुए, उसकी तारीफ़ की, और लेकिन जब देखा कि वो टर्टल खुद ही अपनी सारी तारीफ़ करता चला जा रहा है, मतलब शेखी बघारता बढ़ा चढ़ा के अपनी चीज़ों को बोले चला जा रहा था, तो एनिमल्स ने उसके डिज़ाइंस में जो उसने बनाए थे उसमें कमियाँ निकालना शुरू कर दी। वॉट इज़ इन अ डोम दे सेड, उन्होंने कहा कि डोम में क्या है, आफ्टर ऑल इवन द ओल्ड केव्स वर डोम लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ तक कि जो पुराने केव्स थे, ओल्ड केव्स थे, वो डोम स्ट्रक्चर के ही तो बने थे। आप पुरानी गुफाओं के जब डिज़ाइन देखोगे तो वो जैसे डोम के आधा चुकी रहता है, आधा कट रहता है, हाफ़ राउंड रहता है ना, तो वो ओल्ड केव्स कैसे बने होते थे, वो डोम के स्ट्रक्चर जैसे ही तो दिखते थे। न्यूज़ ऑफ टर्टल्स वैनिटी सून रीच द किंग्स ईयर्स। और जो वैनिटी मतलब होता है टू मच प्राइड, तो टर्टल का जो ये घमंड भरे जो चीज़ें जो बातें थी तो ये राजा के कानों तक पहुंचती हैं। बट लॉयन किंग फेल्ट इट वॉज अ बेस्ट टू इग्नोर इट एज इट सर्टनली वॉज नॉट एम्प्टी बोस्टिंग। और राजा को तो पहले उन्होंने उसको इग्नोर करना ही सही समझा, क्योंकि राजा को भी लगता था कि वो कोई मतलब खाली शेखी तो बघार नहीं रहा है, उसने निश्चित ही अच्छा काम किया है, चूँकि उसने डिज़ाइन तो अच्छे बनाए ही थे, तो राजा को एक बार को लगा कि चलो जो अगर वो बोल रहा है तो कोई बात नहीं, उसने किया है इसलिए बोल रहा है। सो अनचेक टर्टल सेल्फ इम्पोर्टेंस जस्ट ग्रू एंड ग्रू। तो राजा ने उसके बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं की, उन्होंने सुना और उसको उन बातों को इग्नोर मार दिया। तो चूँकि अब टर्टल के ऊपर जो था वो राजा ही थे, तो राजा ने भी जब उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया तो ये चीज़ जो है टर्टल को लगा कि अब तो मतलब कोई उसके लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है, तो उसका ये सेल्फ इम्पॉर्टेंस जो था, खुद को ही इम्पॉर्टेंस देने का जो उसकी आदत थी वो बढ़ती चली गई। एवरी टाइम ही हैड टू गो एनीवेयर ही सेंट मैसेंजर अहेड हु वुड अनाउंस मेक अवे फॉर द किंग्स आर्किटेक्ट। और जब भी वो कहीं भी जाता था तो सबसे पहले वो अपना मैसेंजर वहाँ पर भेज देता था, जो कि अनाउंस वहाँ पर जाकर अनाउंस करते थे कि मेक वे फॉर द किंग्स आर्किटेक्ट, मतलब राजा के आर्किटेक्ट के लिए रास्ता बनाओ।
जैसे कोई VIP पर्सन कहीं जाते हैं तो सबसे पहले उनके जो मैसेंजर्स होते हैं वो जाके वहाँ की जगह खाली कराते हैं ना, तो सेम लाइक दैट वो जो उसके मैसेंजर्स थे टर्टल के, वो पहले अपने मैसेंजर्स वहाँ पे भेज के वहाँ पे अनाउंस करवा देता था कि किंग के आर्किटेक्ट के लिए जगह बनाओ, रास्ता खाली करो। इट वॉज एफ टर्टल एक्सपेक्टेड टू बी सराउंडेड बाई चेयरिंग क्राउडेड वेयर एवर ही वेंट, और वो इस बात को भी एक्सपेक्ट करता था लोगों से कि वो जहाँ भी जाए एक तो उसके लिए जगह खाली हो और उसके चारों तरफ भीड़ इकट्ठी होकर उसको चेयर करे, उसके लिए तालियाँ बजाएं। एंड येट लॉयन किंग इग्नोर इट टिल वन डे वेन टर्टल स्टार्टेड ब्रैगिंग टू लॉयन किंग हिमसेल्फ। और अभी तक तो राजा ने चूंकि उसकी बातों को इग्नोर किया था कि लोग उससे जो भी आके कहते थे राजा से, तो उन्होंने वो सुन के उसको इग्नोर मार देते थे। लेकिन एक दिन जब टर्टल ने खुद ही राजा के सामने अपनी शेखी बघारना शुरू कर दी, अपनी बातों को मतलब अपने लिए बढ़ा चढ़ा कर बोलना शुरू कर दिया और कहा, सर टर्टल सेड, दिस पीरियड विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर इफ नॉट फॉर एनीथिंग एल्स एटलीस्ट फॉर माई आर्किटेक्चर स्पेशली माई डोम्स। टर्टल ने कहा, सर राजा ये पीरियड मतलब जो आपका शासन काल है, तो ये पीरियड भले किसी चीज़ के लिए याद किया जाए चाहे ना याद किया जाए, लेकिन मेरे जो आर्किटेक्चर है मतलब उसने जो बिल्डिंग्स बनाई थी स्पेशली जो उसके डोम्स थे उसके लिए ज़रूर याद किया जाएगा। मतलब उसने अपने आप को इतनी वैल्यू दे दी कि उसको राजा के द्वारा किए गए कार्यों को उसने बिल्कुल अपने आगे ज़ीरो कर दिया। द लॉयन किंग वॉज फ्यूरियस, ये बातें सुन के तो लॉयन किंग को बहुत ही गुस्सा आ गया। दिस वॉज मोर देन ही कुड टेक, मतलब वो जितना बर्दाश्त कर सकते थे ये तो उससे बहुत ज़्यादा हो गया था। आई हैव टॉलरेटेड इनफ फॉर योर बोस्टिंग ही सेड, राजा ने कहा, मतलब उन्होंने कहा कि मैं जितना बर्दाश्त कर सकता था ये तो उससे बहुत ज़्यादा हो गया। अब यू आर सो प्राउड ऑफ योर डोम्स, तुम्हें अपने डोम्स को लेकर बहुत घमंड है। फ्रॉम नाउ ऑन योर यू कैन कैरी योर फेमस डोम ऑन योर बैक, और आज से ही तुम जो तुम्हारे डोम्स हैं उनको तुम अपने बैक पर अपनी पीठ पर लेकर घूमोगे लेके जाओगे। लेट्स सी हाउ फार यू कैन गो विद इट, देखते हैं कि तुम इसके साथ कितनी दूर जा सकते हो। एंड टू दिस टर्टल प्लॉग अलोंग कैरीड देयर डोम लाइक होम्स ऑन देयर बैक। तभी से कछुआ अपने ऊपर डोम को लेकर जो है वो हर जगह धीमे धीमे प्लॉग अलोंग, मतलब होता है कि धीमे धीमे चलना, और तभी से वो अपने ऊपर डोम को लेकर वो धीमे धीमे वो चलता चला आ रहा है। तो ये जो स्टोरी है आपके, ये विश्वजीत दास ने इसको लिखा है। तो स्टूडेंट्स ये एक मॉरल स्टोरी है, तो हमें इससे क्या जो है लेसन मिलता है कि हमारे अंदर अगर कोई क्वालिटी है तो उसको हम दूसरे के जो है हित के लिए, दूसरे के अच्छे के लिए हम उसको यूज़ करें, अच्छा दूसरे हमें एडमायर करें हमारी क्वालिटी के लिए, वो बेस्ट है। हमें अपनी चीज़ों पर प्राउड कभी नहीं करना चाहिए कि अपनी चीज़ों को प्राउड करके जो भी हमारे अंदर की क्वालिटी है हम उसको सिर्फ ख़राब करते हैं। सो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर 5 द टर्टल डोम्स आज अभी कंप्लीट हो गया है। आपको मेरा चैनल अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।